हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन के पार्ट टू की। ओके, हमने पार्ट वन में क्या देखा था, एक बार थोड़ा सा उसका क्विक रिविज़न ले लेते हैं। हमने ये देखा था क्योंकि मध्य प्रदेश की पुनर्गठन को समझने से पहले हमें उस समय की वास्तविक राजनीतिक क्या परिस्थितियाँ थी भारत की, वो समझना ज़रूरी है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय टोटल 17 प्रांत या प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट यानी कि 565 देसी रियासतें थीं। लेकिन जो माउंटबेटन योजना है जो 3 जून 1947 को आई थी, उसके तहत जब भारत का दो स्वायत्त देशों में विभाजन किया गया अर्थात भारत पाकिस्तान, तो प्रांत और देसी रियासतें इनका भी विभाजन किया गया। तो हमने कल देखा था कि पाकिस्तान में कितनी प्रांत गए थे, 3 प्रांत गए थे, भारत में 11 प्रांत आए थे और 3 प्रांतों का विभाजन किया गया था। इसी प्रकार से देसी रियासतों में पाकिस्तान में 13 देसी रियासतें और भारत में टोटल 552 देसी रियासतें उस समय शामिल की गई थी। अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 14 प्रांत और 552 देसी रियासतें थी। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से जो है इन जो 14 प्रांत और 552 देसी रियासतें, इनको मिलाकर टोटल 29 राज्य बनाए गए थे। और इनको विभाजन करने का तरीका क्या क्या था, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी में विभाजित किया गया था, या राइट, हम ये कल देख चुके थे। और भाग ए में, एक्चुअल में भाग ए में शामिल किया था सीपीएन बरार को, जिसका कुछ हिस्सा आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के मैप में शामिल है, इसलिए हमें आज इसके बारे में पढ़ना है। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश जो पहले भाग बी में शामिल किया गया था लेकिन बाद में इसे भाग सी में शामिल कर लिया गया था, और भोपाल, इन चारों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो हम देख रहे हैं भाग ए के बारे में बात करते हैं, राइट। भाग ए के बारे में हम बात कर रहे हैं यानी कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, सीपीएन बरार, या जिसको हम कहते हैं मध्य प्रांत और बरार, राइट। तो हम ये सारी परिस्थितियां जो देख रहे हैं 1956 से पहले की देख रहे हैं, अर्थात 1947 जब देश आज़ाद हुआ और उसके बिटवीन क्या सिचुएशन रही थी सीपीएन बरार की, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम आपको कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितने पॉइंट्स मिलेंगे वो अन्य किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो हम देखते हैं जो सीपी बरार है ये भाग ए में शामिल था, राइट। पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि सीपी बरार किस भाग में शामिल था, तो ये भाग ए में शामिल था और स्पेशली यही मुख्य मध्य प्रदेश समझा जाता था उस समय तक, 1956 से पूर्व यही मुख्य मध्य प्रदेश था और इसकी राजधानी नागपुर थी जो कि आज वर्तमान में महाराष्ट्र में है, लेकिन उस समय ये मध्य प्रदेश में ही आती थी। मध्य जो प्रांत है इसका जो गठन है वो हुआ था 2 नवंबर 1861 को इसका गठन किया गया था। और ये वाला क्वेश्चन इतना डीप में जो क्वेश्चन है पूछ लिया गया है था, एसआई की एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, इसीलिए हम सारे फैक्ट को बड़ी डीपली यहाँ पर समझ रहे हैं। तो जो सीपी था इसका गठन जो है 2 नवंबर 1861 को किया गया था, सागर, नरबुड्डा और नागपुर प्रांत को मिलाकर। मध्य प्रदेश विधान परिषद गठन जो है 8 नवंबर 1913 को किया गया था, याद रखिएगा उस समय इसको मध्य प्रदेश ने सीपी बरार एंड प्रोविजंस ही कहते, सीपी बरार कहते थे, बरार भी बाद में कहा है, ओनली मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविजंस ही कहते थे। तो सेंट्रल प्रोविजंस जो विधान परिषद है इसका जो गठन है वो 8 नवंबर 1913 को किया गया था और ये न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था, प्रमुख न्यायिक कमिश्नर यहाँ पर रहता था, जो प्रमुख था वो न्यायिक कमिश्नर रहता था। इसे 1921 में राज्यपाल प्रांत बनाया गया और बाद में भोसले से बरार एक जो कि हिस्सा रहा है उसे जो है 24 अक्टूबर 1936 को सीपी में मिला लिया गया और तभी से 1936 से ही इस प्रांत को हम कहते हैं सीपी एंड बरार, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने सारे इसमें बताने की कोशिश करी है क्या सिचुएशन थी। तो जो बरार है, जो सीपी एंड बरार है, एक्चुअल में इसमें आज की वर्तमान से हम बात करें तो छत्तीसगढ़,
विदर्भ और महाकौशल के क्षेत्र इसमें शामिल थे। छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की 15 देसी रियासतें से मिलकर इसको बनाया गया था। 1 नवंबर 1948 में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, 1 नवंबर 1948 को, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर से बड़ा ही पुराना नाता, और ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमें सारी डेट एक ही है तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं होती है। तो 1 नवंबर 1948 को CPN बरार यानी कि जो मध्य प्रांत था इसका नाम बदलकर इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, राइट, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1 नवंबर 1948 को, यानी कि 1 नवंबर 1948 तक इसको सेंट्रल प्रोविजन्स एंड बरार का कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इसे मध्य प्रदेश कहा जाने लगा, और उस समय मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया था, यानी कि CPN बरार को उस समय जो है इसका जो विभाजन किया गया था वो 5 भागों में किया गया था। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो जो CPN बरार है, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बता रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पहली बात तो भाग ए में शामिल था, और उस समय जो CP बरार का जो भी मैप था उसमें टोटल 22 जिले थे, और विधानसभा की इसमें 232 सीटें निर्धारित कर की गई थी, जिसमें से 136 जो सीटें थी वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अर्थात मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि विधानसभा, जैसे आज की तारीख में अगर हम बात करें तो विधानसभा की जो है 231 सीटें हैं, 230 निर्वाचित होते और एक आंग्ल इंडियंस के से सीटें भरी जाती है। तो उस समय CPN बरार की टोटल विधानसभा की सीटें जो कितनी थी, 232 थे, अर्थात 232 विधायक चुने जाएंगे। संविधान सभा ने चुनाव, हमको पता है ना, देश आज़ाद होने के बाद चुनाव करवाने के बाद ही सारी प्रक्रिया चल रही थी। तो जो 136 स्थान थे CPN बरार के वो ऐसे थे सिंगल मेंबर, मतलब यहाँ से एक विधायक चुन के आएगा, और जो 48 प्लेस थे वो ऐसे थे, क्योंकि हमें पता है उस वक्त देसी रियासतों को संतुष्ट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि देसी रियासतों को इसमें मिलाया गया था प्रांतों में। तो 48 जो सीटें थी यहाँ से 2 विधायक चुन के आते थे, अर्थात 48 सीटें से टोटल कितने विधायक आते थे, 96 विधायक आते थे। तो 136 हो गए 232, तो इस तरीके से यहाँ पर इस बात का मीनिंग है कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 136 सीटें, और डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी उस पर 48 सीटें थी, तो कुल मिलाकर हो गए 232। लोकसभा की 29 सीटें थी, जो कि आज भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन 17 जो मेंबर्स थे वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, और DMC जो 6 मेंबर थे वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे। अर्थात 6 ऐसे स्थान थे जो जिसमें कि मतलब 6 जगह से 12 विधायक चुन के आएंगे, तो 17 और 12 29 हो गए। और राज्यसभा, क्योंकि हमें पता है मनोनीत होते थे, तो राज्यसभा के उस समय जो है 12 सीटें निर्धारित की गई। और जो CPN बरार के तो पहले CM थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ पर बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ है आज के मध्य प्रदेश में और CPN बरार में, जो कि 1956 से पहले की स्थिति थी, कि यहाँ पर भी पहले CM पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे, और बाद में जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो भी पंडित रविशंकर शुक्ल थे। राज्यपाल का नाम याद रखिएगा E. राघवेंद्र राव थे। CPN बरार की परिस्थिति हमने समझी, राइट। अब हम बात करते हैं मध्य भारत की। मध्य भारत जो कि भाग बी में था, मध्य भारत याद रखिएगा, मध्य प्रांत और मध्य भारत से बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। मध्य भारत जो थी, जब देश आज़ाद हुआ तो कुल 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था 22 अप्रैल 1948 को ये अस्तित्व में आया था, राइट। ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत को अस्तित्व में आया था, क्योंकि हमें पता है ग्वालियर और होलकर जो देसी रियासतें बहुत प्रभावी, उनके उस समय बहुत प्रभाव था, और इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतें थी आसपास। मतलब उस समय जो राजा, कुछ राजा तो ऐसे थे जिनके पास कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र रहते थे, और कुछ के पास तो मात्र 3 या 4 किलोमीटर में ही अपने राज्य के राजा होते थे,
तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया 22 अप्रैल 1948 को, और इसकी दो राजधानियाँ थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, इसकी दो राजधानियाँ थी, एक थी ग्वालियर, ये डिसाइड किया गया कि 6.5 महीने तक ग्वालियर रहेगी विंटर कैपिटल, और इंदौर 5.5 महीने के लिए रहेगा समर कैपिटल, यानी कि कुछ समय के लिए ये 6.5-6 महीने के लिए और 5.5 महीने के लिए इंदौर राजधानी रहेगा। ठीक है, तो ये भाग बी की बात करी थी हमने। अब भाग बी के अलावा हम इसको जो लोकसभा है और ये सब कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब कुछ अदर फैक्ट्स में हम देख लेते हैं भाग सी के बारे में। भाग सी है जो विंध्य प्रदेश है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पहले ही बताया है कि पहले यह पार्ट बी में था, लेकिन 1 जनवरी 1950 को इसे सी में कर दिया गया, राइट। तो ये बाद में सी में ही इसको गिना जाता है, यानी कि 1956 तक के भाग सी का हिस्सा रहा। इसका जो गठन है 4 अप्रैल 1948 को किया गया, याद रखिएगा भाग बी में जो मध्य भारत है इसका गठन 22 अप्रैल 1948 को किया गया, और इसका गठन 4 अप्रैल 1948 को, यानी कि इसके पहले ही कर दिया गया था, किया गया था। अब हमने ये पढ़ा है कि जो भाग बी में जो भी रहता है उसमें किसका शासन रहता है प्रमुख, तो उसमें राज प्रमुख का शासन होता है। तो जब ये भाग बी का हिस्सा था तो इसके राज प्रमुख थे मार्तंड सिंह। जब हम इसका इतिहास पढ़ेंगे बघेल बुंदेलखंड का, तब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे मार्तंड सिंह, वो जाना पहचाना राजा थे वहाँ के। तो मार्तंड सिंह जो है राज प्रमुख बनाए गए, लेकिन जब ये सी में गया तो ये वाला पद जो है समाप्त कर दिया गया। और हमको पता है जो भी भाग सी में जितने भी जो भी राज्य थे, हम राज्य ही कहेंगे, जितने भी राज्य थे उसमें चीफ कमिश्नर होते थे, मुख्य आयुक्त रहते थे, जो कि कौन थे, एसएन मेहता थे। तो जो विंध्य प्रदेश है ये स्पेशली बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के बनाया गया था, क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल थी, तो इसके प्रमुख अवधेश प्रताप सिंह को रखा गया बघेलखंड से, और बुंदेलखंड से रखा गया कामता प्रसाद सक्सेना को। जुलाई 1948 में दोनों को मिलाकर एक सीएम बनाया गया, राइट। जुलाई 1948 में क्या किया गया, दोनों को मिलाकर एक सीएम बनाया गया। चुनाव के बाद पहले सीएम बने थे शंभुनाथ शुक्ल, भाग ए में थे पंडित रविशंकर शुक्ल, भाग जो बी में मध्य भारत है इसका हम आगे बताएंगे आपको। और इसमें चुनाव के बाद जो पहले सीएम बने थे शंभुनाथ शुक्ल, एक्चुअल में आजकल जो मध्य प्रदेश या पीईबी जो भी एग्जाम लेता है उसमें इस तरीके के फैक्ट उसके फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये जनरली मैक्सिमम बुक्स में फैक्ट्स नहीं होते हैं, राइट। तो चुनाव के बाद पहले सीएम थे शंभुनाथ शुक्ल, आपको ये याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को ललितपुर झांसी वाले क्षेत्र को यूपी को दे दिया। जब आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये उस समय पर मध्य प्रदेश में था, विंध्य प्रदेश में था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये वाले हिस्से को यूपी को दे दिया गया, राइट। आपने इस तरीके का मैप देखा होगा, तो हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं भाग सी में भोपाल की, भोपाल जो कि भाग सी में था और 5 देसी रियासतों से मिलकर बना था। 1 जून 1949 को भारत में इसका विलय किया गया था। हमें पता है यहाँ के जो नवाब थे हमीदुल्ला, उन्होंने मना कर दिया था इसमें शामिल होने से भारत में, लेकिन सरदार पटेल की कूटनीतिक रणनीति ही कहेंगे हम कि इसे फाइनली या जनता के दबाव के कारण इसे 1 जून 1950 को भारत में शामिल कर लिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कुछ पूछे ना पूछे भोपाल से रिलेटेड ये डेट ज़रूर पूछी जाती है। तो 1 जून 1950 को जो है भोपाल को भारत में विलय किया गया। और हमको पता है जो भी भाग सी में होते हैं उसमें मुख्य आयुक्त होते हैं, तो इसके पहले मुख्य आयुक्त थे एन बी बैनर्जी। फाइनली आज की डेट में यदि हम बात करें तो इसमें 2 जिले थे सीहोर और रायसेन, और सीहोर और रायसेन भोपाल में मिलाकर कुल 5 रियासतें थी उस समय, राइट। तो ये भोपाल के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं सीपी बरार, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल को कंपैरेटिवली, ताकि हमें कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा, राइट। तो हमने देखा है कि मध्य भारत भाग बी में था, विंध्य प्रदेश भाग सी में था और भोपाल भाग सी में था। उस समय इसमें 22 जिले थे, मध्य भारत में कुल 16 जिले थे। जो भी मध्य भारत का इलाका था वहाँ पर जो उसका सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, तो 16 जिले कंसिडर किए गए थे। विंध्य प्रदेश में 8 जिले और भोपाल में 2 जिले थे। यानी हमने बताया कौन कौन से 2 जिले थे, रायसेन और सीहोर, यानी कि भोपाल जो है सीहोर के अंतर्गत ही माना जाता था। मध्य भारत में इसकी बात कर चुके हैं तो इसकी बात करते हैं। मध्य भारत में विधानसभा की टोटल जो थी 99 सीटें थी, जिसमें से 59 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी,
और 20 जो थी डबल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी थी, यानी कि 20 ऐसी जगह थी जहां से एक जगह से दो विधायक चुने जाएंगे, अर्थात 20 प्लेस पे से 40 हो गए, राइट। तो इस तरीके से इसका सेपरेशन था। इसी प्रकार से विंध्य प्रदेश में टोटल 60 विधानसभा सीटें थी, 36 जो थी सिंगल मेंबर थी और 12 डबल मेंबर थी। इसी प्रकार से भोपाल में 30 थी जिसमें से सिंगल मेंबर 17 थी और डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 7 सीटें थी। लोकसभा की बात करें तो कुल 11 सीटें थी, 7 सिंगल मेंबर थी, 2 डबल मेंबर थी। और विंध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करें तो लोकसभा की 6 सीटें थी, 2 जो थी सिंगल मेंबर थी और 2 जो थी डबल मेंबर थी। और यहाँ पर केवल 3 ही सीटें थी लोकसभा की भोपाल में जो कि सभी सिंगल मेंबर थी। राज्यसभा की अगर बात करें तो 6 सीटें थी, विंध्य प्रदेश में 4 थी और भोपाल की 1 सीटें निर्धारित की गई थी। अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल फैक्टर देख लेते हैं मध्य भारत के केस में। मध्य भारत वही देसी रियासत वाला हिस्सा जहाँ जिसमें ग्वालियर और होलकर की रियासतों को शामिल किया गया था। तो हमें पता है भाग बी का हिस्सा है और भाग बी में जो थी जितने भी भारत में उस वक्त भाग बी में शामिल किए गए थे बड़ी देसी रियासतें शामिल की गई थी। और यहाँ पर ये निर्धारित किया गया था उनको संतुष्ट करने के लिए कि यहाँ पर राजप्रमुख का शासन रहेगा। तो इसी प्रकार से मध्य भारत में भी भाग बी में राजप्रमुख में जो राजप्रमुख थे वो थे जीवाजीराव सिंधिया, पहले सीएम यहाँ के कौन थे लीलाधर जोशी और लीलाधर जोशी इसके पहले सीएम थे। इसके बाद जो है गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय बने, तख्तमल जैन भी बने 1 नवंबर 1952 के समय। 1952 में पहले निर्वाचित सीएम जो बने इस क्षेत्र के वो थे मिश्रीलाल गंगवार। हमको पता है 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने देश में चुनाव संपन्न कराए, तो उस प्रकार से ये मनोनीत किए जाते थे। और फिर बाद में जो है निर्वाचित सीएम पहले कौन रहे भाग बी में विंध्य मध्य भारत के, तो वो थे मिश्रीलाल गंगवार। और इसके विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे अनंत सदाशिव पटवर्धन और उपाध्यक्ष कौन माने जाते थे विष्णु विनायक सरवटे, जिसके के नाम पर इंदौर का बस स्टैंड का नाम है, ये वही विष्णु विनायक सरवटे हैं। और भाग बी हमको पता है इसी में शामिल था ये वो वाला एरिया। अब हमने यहाँ पर हमने भाग विंध्य प्रदेश की बात हम कर चुके हैं पीछे, तो हम बात करते हैं भोपाल की। जो भोपाल में पहले सीएम थे वो थे शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक, और विधानसभा अध्यक्ष थे सुल्तान मोहम्मद खान और उपाध्यक्ष थे लक्ष्मी नारायण, राइट। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी 1956 के बाद। लेकिन इसी के पैरेलल क्या हो रहा था वो हम घटनाचक्र भी देख लेते हैं। तो जो राज्यों का विभाजन किया गया था तो कुछ राजनीतिक दल इससे जो है